झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच की ओर से इस वर्ष का डॉक्टर फादर कामिल बुल के साहित्य सम्मान महुआ मांझी को दिया गया है। यह पुरस्कार गैर हिंदी भाषी साहित्यकार को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच की ओर से गैर हिंदी साहित्यकारों को हिंदी में योगदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष डॉक्टर कामिल बुल के साहित्य सम्मान से नवाजा जाता है। इस साल झारखंड की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर महुआ मांझी को यह सम्मान दिया गया है। झारखंड साहित्य संस्कृति मंच पिछले 2 सालों से यह पुरस्कार देता रहा है। ऐसे में 2 सालों पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार इस वर्ष महुआ मांझी को देते हुए प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15,000 रुपये की नगद राशि से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही महुआ मांझी की पहचान बंगला भाषी साहित्यकारों में होती है और बंगला भाषी साहित्यकार होने के नाते उनकी हिंदी में जो योगदान है, हिंदी में उन्होंने कई किताबों को लिखा है, पुस्तकों को पिरोया है। ऐसे में महुआ मांझी का सम्मान किया जाना निश्चित रूप से झारखंड के उन तमाम साहित्यकारों का सम्मान है जो हिंदी के प्रति अपनी कर्तव्यशीलता और निष्ठा रखते हैं। हिंदी साहित्य संस्कृति मंच जो है, इसी को समझते हुए गैर हिंदी भाषा भाषी और थोड़ा सा साहित्य के प्रति रुचि दिखाएं, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह का साहित्य सम्मान पुरस्कार शुरू किया है। जैसा मैंने आपको कहा भी कि जैसे हम लोगों ने श्री सी भास्कर राव और श्री कमल बोस को पूर्व में दिया है, उसी तरह हम लोगों ने आज डॉक्टर महुआ मांझी को दिया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के सम्मान से आगे भी गैर हिंदी भाषी भाषा भाषी जो है साहित्य के प्रति रुचि दिखाएंगे और अपनी रचना को लोगों को देंगे। हिंदी लेखन कर रहे अहिंदी भाषी लेखकों को दिया जाने वाला यह पुरस्कार पहले भी डॉक्टर सी भास्कर राव और डॉक्टर कमल कुमार बोस को मिल चुका है। डॉक्टर महुआ मांझी इस पुरस्कार को लेकर काफ़ी गौरवान्वित हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो फिलहाल तो राजनीति में हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान एक साहित्यकार के रूप में होती है। वो अपने आप को एक बेहतर साहित्यकार कहलाना पसंद करती हैं। ये सम्मान जो है, चूँकि फादर कामिल बुल के बेल्जियम के थे, विदेशी थे, इसके बावजूद उन्होंने हिंदी में इतना काम किया कि पूरी दुनिया उनको जानती है, सराहती है, और मेरे लिए ये सम्मान पाना बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस मंच की और झारखंड साहित्य संस्कृति मंच की, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना है। और मैं इसके अध्यक्ष कामेश्वर जी, इसके सचिव राकेश रमन जी और पूरी टीम को, संरक्षक हमारे विनय सरावगी जी हैं, उपाध्यक्ष निरंजन प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, और तमाम संस्था से जुड़े लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आगे भी ये संस्था निरंतर इस तरह से लोगों का उत्साह वर्धन करे जो लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में इन दिनों मैं देख रही हूँ लगातार साहित्य सृजन हो रहा है और यहाँ के लेखक लेखिकाएँ पूरे देश में पढ़ी जा रही हैं, हिंदी साहित्य में बड़ा नाम उनका हो रहा है, तो उर्वर भूमि है झारखंड की। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज मुझे ये सम्मान मिला, इससे मुझे प्रोत्साहन मिला। मैं राइटर, एक लेखिका तो हूँ ही, लेकिन राजनीति में भी सक्रिय हूँ। तो अभी एक उपन्यास आने वाला है बहुत जल्दी, और भी लेखन की प्रेरणा मुझे मिली इससे, मैं प्रोत्साहित हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा महुआ मांझी की एक उपन्यास जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। इसके अलावा एक नन फिक्शन जो महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उनके अनुभवों पर आधारित है, उस पर भी फिलहाल कार्य हो रहा है। आने वाले दिनों में महुआ मांझी को आप कुछ और अंदाज में भी देख पाएंगे। वहीं महुआ मांझी को सम्मानित करते हुए रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने महुआ मांझी से देश और राज्य के गुमनाम शहीदों को खोजने और उनके चरित्र के बारे में देश को बताने का प्रयास करने का आग्रह किया है। महुआ मांझी की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर कामिनी कुमार ने यह भी कहा है कि झारखंड के उन विभूतियों को भी सामने लाया जाए जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने के लिए योग्य हों। ऐसे
पुस्तकों में रखें जो स्कूल के विद्यार्थी पढ़ें, और स्कूल से ही बच्चों में ये भावना जागे कि झारखंड के किस कोने में कौन कौन ऐसे शहीद थे जिनके नाम इन 75 वर्षों में सामने नहीं आए, और अब हमारी कोशिश के बाद हमारे बच्चे ये जान पाएंगे कि हमारे अमर शहीद कितने, उनको ये भी नहीं मन में होता था कि मेरा नाम हो तब हम शहीद हो या तब हम जाते जाए। झारखंड साहित्य संस्कृति मंच की ओर से दिया जाने वाला यह पुरस्कार निश्चित रूप से उन तमाम साहित्यकारों के लिए समर्पित हैं जो हिंदी भाषी न होते हुए भी हिंदी में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। खासकर दूसरे राज्यों के साहित्यकारों को बेहद ही प्रेरित करते हैं ताकि वो हिंदी में अपना योगदान दे सकें। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।